राजस्थान में रेप केस में घिरे कांग्रेस नेता और बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दो कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है, हाल ही में वायरल हुए वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता नजर आ रहा है। एक अन्य वीडियो में महिला के साथ एक बच्ची भी नजर आ रही है। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा ये व्यक्ति मेवाराम जैन ही है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन दोनों वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। शुक्रवार के दिन अचानक दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। दरअसल मेवाराम जैन पर पहले से ही एक रेप केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी सेक्स सीडी कांड की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नेताजी के कमरे में एंट्री करने से पहले ही महिला अलमारी की रैक में अपना मोबाइल कैमरा चालू कर रख देती है, जिसके बाद नेताजी के कर्मकांड मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाते हैं। गौरतलब है, बीते महीने 20 दिसंबर 2023 की रात को जोधपुर के राजीव नगर थाने में महिला ने मेवाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 आरोपियों के नाम दर्ज है। रिपोर्ट में महिला ने उसके और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बताते चले कि हाईकोर्ट ने फिलहाल मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए। इसके बाद मेवाराम जैन ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली। इसके बाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। भाजपा की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के साथ भी मेवाराम जैन के कई फोटो वायरल किए गए। बताते चलें कि मेवाराम बाड़मेर के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। 3 बार विधायक रहे हैं और इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। मेवाराम जैन अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। गहलोत सरकार की ओर से उन्हें राज्य गोसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया था।